लिपुलेक दर्रे से आयोजित होने वाले भारत चीन स्थलीय व्यापार की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने व्यापार में शिरकत करने वाले व्यापारियों के पास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने इस बार 320 व्यापारियों को ट्रेड के लिए चीन जाने की अनुमति दी है, जिसमें से प्रशासन ने 76 व्यापारियों को ट्रेड पास जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी कोई भी व्यापारी भारत और चीन की मंडी में नहीं पहुंचा है। ट्रेड पास जारी होने के बाद जल्द ही व्यापारियों के लिपुलेख दर्रे से व्यापार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दोनों मुल्कों के रिश्तों को बेहतर बनाने और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993 में भारत चीन स्थलीय व्यापार शुरू किया गया था। इसके लिए भारतीय क्षेत्र में गुंजी और चाइना में तकला कोट को मंडी बनाया गया था। लिपुलेख दर्रे से आयोजित होने वाले इस व्यापार में हर साल भारतीय व्यापारी गुड़, मिश्री, तंबाकू, कॉस्मेटिक सामग्री और माचिस लेकर चीन जाते हैं, जबकि चीन के रेडीमेड कपड़े, जूते, कंबल आदि सामान इस रास्ते से आयात करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जून से अक्टूबर माह तक आयोजित किया जाता है। लाइव उत्तराखंड के लिए पिथौरागढ़ से प्रदीप महरा की रिपोर्ट। वर्ष 2019 में जो इंडो चाइना ट्रेड होगा उसके लिए हमने जो विदेश मंत्रालय है वहाँ से 300 पासेस लिए हैं और कुछ पासेस हमारे पहले से थे, 20 पासेस हमारे पहले से थे, तो कुल मिला के 320 पास बनते हैं। और जो हमने पासेस हैं वो जो जारी करने का जो प्रोसेस है हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने 76 जो ट्रेड पासेस हैं वो इशू करे हैं और बाकी जो पासेस हैं बहुत जल्द हम इशू करवाएंगे। क्या आप एक जागरूक पहाड़ी हैं जिसको अपने समाज और क्षेत्र से है प्यार? आपके मन में है जन सरोकार की भावना और आप पहुँचाना चाहते हैं सरकार और शासन तक अपनी आवाज, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए वीडियो, भेजिए हमें लाइव उत्तराखंड की खास मुहिम मैं पहाड़ी मैं रिपोर्टर, जहां आपके सवाल सीधे किए जाएंगे सरकार और क्षेत्र के प्रतिनिधियों से। आपके सवाल, आपकी आवाज, लाइव उत्तराखंड के मंच से पूछेंगे आखिर क्यों नहीं होता समस्याओं का समाधान। तो उठाइए अपना फोन और बनाइए वीडियो, भेजिए हमें लाइव उत्तराखंड की खास मुहिम मैं पहाड़ी मैं रिपोर्टर। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।